असलकम वरम्लाबरक दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी दैट जीपटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू डेज बेसिक वर्कशॉप सो दोस्तों आज की इस वर्कशॉप में आप सबको शामीद कहता हूँ जी आयू कहता हूं और वेलकम कहता हूं जो चीज आप सीखने जा रहे हैं यह मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन स्किल है जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है और आज हम जरा एआई के ऊपर बात करेंगे जानेंगे कि बेसिकली ये चैट जीपीटी क्या है जो हमने इंस्टॉल की है ये एनी क्या है जो हमने इंस्टॉल की है हम इससे कैसे बेहतर अंदाज में काम ले सकते हैं और ए आई बेसिकली है क्या हम इसको भी बहुत तफसील के साथ आज की क्लास में इनशाला डिस्कस करेंगे सो so, चलिए चलते हैं आगे की तरफ सबसे पहली चीज है कि को समझने की कोशिश करते हैं कि वॉट इज ए आई ठीक है ए आई क्या है ए आई मीन ए मीन्स आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस मीन जहानत आर्टिफिशियल मीन्स मसनोई और इंटेलिजेंस मीन जहानत यानी कि जहानत जो है वो दो किस्म की होती है ठीक है इस वक्त मौजूदा वक्त में जहानत दो किस्म की है एक हकीकी जहानत है वो जहानत जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता फरमाई है ठीक और एक है मसनू जहानत वो कौन सी जहानत है वो जहानत जो इंसानों ने बनाई है ठीक है जिस तरह आर्टिफिशियल एक ज्वेलरी भी होती है एक होती है ओरिजिनल ज्वेलरी लाइक गोल्ड हीरे की आर्टिफिशियल आपने देखा होगा कि हमारी खातिन ज्वेलरी पहनती हैं, ठीक है थीके? इसी तरह एक गोल्ड की प्योर होती है और नंबर टू एक आर्टिफिशियल होती है दिखने में हूबहू वही होती है कॉन्सेप्ट लीजिए बेसिकली कि जो आर्टिफिशियल होती है वो दिखने में बिल्कुल हूबहू हकीकी जैसी होती है काम भी वही करती है सजावट बनावट में उसी तरह होती है लेकिन वो हकीकी नहीं होती इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है ये एक मसनू जहानत है एक इंटेलिजेंस ठीक है थेके? अब इसकी हम जरा डीप डाउन जाते हैं ए आई यानी कि मसनू जहानत एक कंप्यूटर की फील्ड है ठीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह काम करना सिखाती है ए आई की मदद से कंप्यूटर अपनी कारदगी को बेहतर बना सकते हैं और ऐसी मशीनें बनाई जा सकती हैं जो इनफरादी तौर पर पेचीदा और मुश्किल काम कर सकती हैं ठीक है ए आई क्या है ए आई एक मसनू जहानत है जो कि एक कंप्यूटर की फील्ड है जो मशीनों को इंसानों की तरह काम करना सीखा करेक्ट आगे बढ़ते वट इज ए आई मजीद एग्जाम्पल आसान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ए आई क्या है टीच द कंप्यूटर टू डू टास्क लाइक ह्यूमेन टीच द कंप्यूटर

कि ये कंप्यूटर को ये मशीन्स को इस लायक बनाती हैं कि मशीन जो है वो हू इंसानों की तरह काम करना शुरू करती ठीक है थेके? किस तरह से अच्छा आगे बढ़ते हैं। नंबर वन राइटिंग पहले इंसान लिखता था खुद से स्क्रिप्ट राइट करता था पोइट्री लिखता था असाइनमेंट लिखता था या इस तरह के लिखने वाले जितने भी काम हैं इंसान करता था लेकिन अब कंप्यूटर ने एआई ने कंप्यूटर को चैट जीपीटी की शक्ल में इस काबिल बना दिया कि वो हमें राइट करके लिख देता है हम उसे कोई रेसिपी बोले वो हमें लिख देता है हम उसे कहें कोई शायरी लिख दो वो हमें लिख देता है हम उसे कहे कि कोई मजमून लिख दो वो हमें लिख देता है। तो उस एआई ने कंप्यूटर को इस काबिल बना दिया कि वो हमें राइट करके दे सकता है नंबर वन नंबर टू नंबर टू पहले हम वीडियो एडिटिंग को सीखते थे ठीक है पहले हम वीडियो एडिटिंग को सीखते थे हम अपनी वीडियो को पकड़ते थे उसको एडिट करना चाहते थे उसकी स्पीड को पूरा सीखना पड़ता था लेकिन अब ए आई ने कंप्यूटर को आपके मोबाइल को इस काबिल कर दिया कि आप जस्ट अपने मोबाइल फोन पे ए आई के किसी भी सर्च इंजन को या जो भी इसका इंजन होता है ए आई का जो ऐप होती है प्लेटफॉर्म होता है या चैट बोर्ड होता है आप उसे कहते हैं कि मुझे एक वीडियो बना दो जिसका टाइटल ये हो जिसके अंदर ये 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 अल्फाज बोले जाए जिसके पीछे इस तरह का म्यूजिक लगा हो जिसके अंदर टेक्स्ट इस टाइप का लगा हो और वीडियो की लेंथ इतनी हो तो ए आई आपको चंद मिनट के अंदर हो बहु वही वीडियो बना के दे देता है अब आप ये ए आई की मदद से कर सकते आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे पहले हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ती थी बहुत बड़े बड़े टूल सीखने पड़ते थे लाइक डोबी फोटोशॉप लाइक एलिस्ट्रेटर लाइक यूएक्स यूआई बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जिनको सीखने में छः छः महीने साल साल लगते थे लेकिन अब वही काम एआई ने बहुत आसानी से कर दिया जिसकी सूरत में कैनवा की सूरत ठीक है अब कैनवा में टोटल एआई बेस्ड डिजाइन बनते हैं किस तरह से बनते हैं हम इसमें आगे चल के सीखेंगे हम कह देते हैं कि भाई मुझे एक डिजाइन चाहिए जिसमें एक खातून समंदर के किनारे बैठी हुई है और वो शादी के जोड़े में है उसके साथ उसका मियां भी बैठा हुआ है मियां ने काला लिबास पहना हुआ है और उनके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास है ठीक है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग भी हैं मुझे ये बना दो और उसके ऊपर लिख दो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी या आप लिखते हैं शादी मुबारक लिखते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दें आप उसे जो कहेंगे वो आपको लिख दें ठीक है जो बनवाना चाहते तो वो आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वो हु डिजाइन बना जो काम ग्राफिक डिजाइनर घंटे लगा के करता था वो काम ए आपको चंद सेकंड के अंदर जस्ट एक प्रॉम्प्ट के जरिए बना के दे रहे तो आप लोग जमाना बहुत ही आसान बेहतरीन और पैसे बनाने के हवाले से मोजो तरीन और आसान तरीन तौर से गुजर कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना जस्ट कंप्यूटर को कमांड देनी है वो आपको क्लाइंट के लिए वीडियो भी बना के दे सकता है, कंटेंट भी राइट कर आई आपके लिए कोडिंग कर सकता ए आई आपको अपनी वेबसाइट बनाने में मदद कर है, आप बता दें मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए मुझे ऐसी ऐप चाहिए तो वो उसके लिए आपको कोडिंग करके दे सकते यानी कि ए आई ने एक चार साल बच्चे को और एक वो बंदा जिसने बीस साल में पी एच डी किया था उसको अब एक लेवल के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है उसके हाथ में चैट जीपीटी है उसके हाथ में बीस साल का तजर्बा चैट जीपीटी के पास ए आई के पास वो सारा नॉलेज बच्चा किसी भी टॉपिक पे एक मिनट में रिसर्च कर सकता है तो पीएचडी वाला और चार साल का बच्चा बिल्कुल बराबर लेवल पे एच कोडिंग भी एक पूरा शोभा है जैसे राइटिंग स्किल के लिए हम ये यूज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग है ग्राफिक है कोडिंग वेबसाइट बनाने के लिए डिफरेंट एप्स बनाने के, के लिए एक लैंग्वेज है बेसिकली ठीक है थीके? कोडिंग क्या है कोडिंग एक लैंग्वेज है किस चीज की वेबसाइट बनाने के लिए इस तरह के काम के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो इस लैंग्वेज के अंदर होते हैं और इसी से बनते हैं अच्छा कुछ example में देता इससे पहले ये था कि एक गूगल असिस्टेंट होता था ठीक है जिससे हम जो चाहे पूछ सकते थे थी, ठीक है एलेक्सा थी एक पता नहीं आपने कभी उसके बारे में सुना कि नहीं वो बातें करती थी ठीक है स्कूल के अंदर डिफरेंट आजकल बहुत सारे स्कूलों के अंदर एलेक्सा का एक इस तरह का एक जो है ना वो वो हमसे बातें करता हम उससे जो पूछे वो हमें बताता है लेकिन अब तो बात बढ़ चुकी है चैट जीपीटी आपसे कल हमने देखा कि वो हमसे कैसे बातें कर इसकी सबसे बड़ी जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो पहले थी हमारे पास ये सारी चीजें लेकिन हमने कभी नोट नहीं की थी किस तरह से ये इस तरह से के आप कहीं जा रहे हैं गूगल होगा गूगल मैप क्या करते ए आई का इस्तेमाल होता है ठीक है हम कहीं जा रहे हैं तो वो हमें बता रहा है जी आप तीन मिनट के पास ले अब दो मिनट के पास लेते अब यहाँ से यहाँ टर्न ले जी अब यहाँ से उसे कैसे पता चलता है बेसिकली वो गूगल का ए आई था ठीक है वो गूगल का एआई था ठीक है जिसके जरिए हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं लाइक गूगल मैप ले लें जी ठीक है गूगल मैप्स में एआई जो है ना वो काम करता है सही तो एआई हमारी बेसिकली इस तरह से जो है वो मदद करने की कोशिश करता है अब तो सारी चीजें चेंज हो चुकी है आगे हम जल के सीखेंगे यह हम कैसे एआई से सिर्फ उसे लिखेंगे मुझे इस टॉपिक पे लिख तो वो हमें लिख देगा हम कहेंगे एआई को इस कोर्स में हम ये सारी चीजें सीखेंगे हम वीडियोस भी एआई की मदद से बनाना सीखेंगे हम एडिटिंग uh, भी एआई uh, की मदद से सीखेंगे ग्राफिक बनाना भी एआई की मदद से सीखेंगे राइट अब हम चलते हैं आगे अच्छा चैट जीपीटी क्या है जो हमने कल सीखा था ठीक है बेसिकली जो इंस्टॉल किया था वो क्या है चैट जीपीटी की जो व्हाट इज चैट चैट जीपीटी जीपीटी एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन एआई ने तैयार किया है ओपन एआई एक प्लेटफॉर्म है ठीक है उसने एक लैंग्वेज मॉडल तैयार किया है ठीक है जो कि एक प्रॉम्प्ट के जवाब में कुदरती का मतन तैयार हम आगे चल के पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट क्या होता है प्रॉम्प्ट सवाल चैट जीपीटी एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है अब ओपन जो ए आई है ना अब सुनेगा गौर से सम, मैं ये बात पूरी कर दू फिर समझाता हूँ एक एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है ने तो है। ने तैयार तैयार किया। जो कि के जवाब में कुदरती का का करता इस्तेमाल और इसे जबान में पैटर्न सीखने इंसानों की तरह रद्द पैदा करने की। मतनी डेटा की एक बड़ी मकदार पर तरबियत दी गई इसमें कस्टमर सर्विस ट्रांसलेन और पर्सनल एप्लीकेशन और कुदरती लैंग्वेज प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए के लिए तखलीक में इस्तेमाल किया जाता अब दोबारा से सुनो चैट जीपीटी एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है ठीक है जिसे ओपन ए ने तैयार किया देखिए यहाँ पे लफ्ज है कि एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल ओपन ए के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ढेर सारे मॉडल हैं जो कि डिफरेंट के लिए काम करते हैं एक चैट जीपी ए आई का एक मॉडल है रोबोट्स, वो भी एक मॉडल है एक लैंग्वेज मॉडल है अब इनमें फर्क क्या है और भी ढेर सारे मॉडल्स हैं मैं इनकी एग्जाम्पल दे के आपको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रोबोट्स जो है वो एक डिफरेंट मॉडल है और उस मॉडल का बेसिकली काम ये है कि वो मशीन को इंसानों की तरह काम करना सिखाता रोबोटिक में मैं बताता हूं कि मतन मतन क्या होता है तहरीर ठीक है मैं बताता हूं सुनिए दो मॉडल की एग्जांपल लेते हैं एक लैंग्वेज मॉडल एक रोबोट मॉडल ठीक है और भी ढेर सारे मॉडल अब रोबोट मॉडल में एआई क्या करता है कि वो रोबोट को वो कंप्यूटर को कंप्यूटर होता है वो अभी ठीक है वो कंप्यूटर को इस लाइक बनाता है कि वो इंसान की तरह फिजिकल काम कर सके इसी तरह आपने देखा होगा कि रोबोट आप आपकी हेल्प कर सकते हैं ठीक है रोबोट आप बड़े शहरों में जाएंगे रोबोट आपको पॉपकॉर्न बना के दे रहे हो रोबोट आपकी ढेर सारी मदद कर रहे हो रोबोट आपके चौकीदारा कर रहे हैं आप ठीक है अच्छा रोबोट बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर है जिसमें वो आपको खाना पकड़ा देते हैं वेटर का काम करते हैं ठीक है तो जो ए आई का रोबोटिक मॉडल है बेसिकली वो इंसान के अमली काम में मदद करने के लिए बनाया और जो चैट जीपीटी है ये लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन ए आई ने इसलिए तैयार किया है कि जब इसको मतनी यानी लिंग्विस्टिक रिटर्न फॉर्म में जब भी इससे कुछ पूछा जाए तो वो उस सवाल को लेके उसके अच्छे से मदद कर सके जो वो उसे पूछे उसका रद्द अमल जो है वो पैदा कर सके मतनी डाटा मतलब जो हम उसे लिख के दे रहे हैं रिटर्न उसके ऊपर उसकी तरबियत की गई है ठीक है कि वो हमें ट्रांसलेशन में हमारी मदद दे पर्सनल असिस्टेंट में हमारी मदद दे ठीक है तो ये है जहाँ पे लिखा कुदरती लैंग्वेज प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने में जहाँ हम उससे मुंह से जुबान से बोल के कह रहे हैं कि मुझे ये बता दो चैट जीपीटी तो वो हमें बोल के बता रहा तो ये है कुदरती लैंग्वेज प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने तहकीक में इस्तेमाल किया जाना तो चैट जीपीटी क्या है लैंग्वेज मॉडल है लैंग्वेज जो हम जुबान से पूछना चाहते हैं जो लिखना चाहते हैं जो टेक्स्ट में हम चीजें लेना चाहते हैं चैट जीपीटी उसके अंदर हमारी जो है है वो मदद करता है. तो बेसिकली ये है चैट जीपीटी बात समझ आ गई अच्छा क्योंकि हमने बात स्टार्ट की थी जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ठीक है दो दिन का ये हमारा कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अब हम चलते हैं आगे हमने चैट जीपीटी को तो अब यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लिया सीख भी लिया पता भी चल गया ये क्यों है और हमारी किस तरह से मदद कर सकता है अब हम चलते हैं आगे अब इसके अंदर एक आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ठीक है वॉट इज प्रॉम्प्ट पहले हम ये जान लो टेक्स्ट यू गिव ए आई ए आई विल अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई इज कॉल्ड टेक्स्ट यू गिव ए आई वो टेक्स्ट जो हम ए आई को देते हैं ए आई विल अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई ए आई उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे चैट जीपीटी उसे समझता है और हमें जवाब देता है दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट वो टेक्स्ट जो हम एआई को देते हैं वो टेक्स्ट जो हम एआई को दे रहे हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है वो प्रॉम्प्ट कहलाता है एग्जाम्पल करते हैं कि हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और उसे कहते हैं हाउ आर यू तो ये क्या है ये प्रॉम्प्ट है ठीक है ये क्या है ये प्रॉम्प्ट है एग्जाम्पल करते हैं हम यहां पे चार्टीपीटी को ओपन कर लें अगर ओपन हो जाता है तो चले इसको हम पे क्योंकि ज, जिप्टी को हमने देख तो लिया तो इसलिए हम इसको डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं अगर हम कहते हैं हाउ आर यू या हम उसे कहते हैं गिव मी फाइव यूट्यूब वीडियो टाइटल अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग या वट इज फ्रीलांसिंग वट इज कैनवा हम वहां पे जाके जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ठीक है हम के ऊपर जाके जो भी सवाल लिखते हैं टेक्स्ट यू गिव ए आई दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट वो प्रॉम्प्ट कहलाता है अब आगे चलते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब प्रॉम्प्ट में और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या व्हाट द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रॉम देखें चैट जीपीटी हमें एआई हमें जो भी जवाब देगा ये सारे का सारा कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पे प्रॉम्प्ट पे ठीक है सवाल पे ठीक है यानी कि अब सीधा समझ लीजिए कि जितना अच्छा सवाल करना आएगा आपको आपको एआई उतना ही अच्छा जवाब दे ये एक टीचर है अगर इससे थका हुआ सवाल पूछा जाएगा तो ये उसी अंदाज में आपको जवाब देगा अगर आप समझदार हैं सुगड़ हैं, सियाने हैं तरीके से उस से सवाल पूछेंगे तो वो आपको तरीके से जवाब वट द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रॉम्प्ट ठीक है इन सिंपल इन सिंपल वर्ड हाउ टू टॉक विद एन एल पी एन एल पी क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यही जो हम जबान से जो जो इंजन ए आई का हमारी जबान के ऊपर काम कर रहा है हाउ टू टाक विद चैट जीपीटी इसका मतलब ऐसे समझ हाउ टू टाक विद चैट जीपीटी ए आई टू गेट आउट बेस्ट रिजल्ट एग्जाम्पल करते हैं कि आसान अल्फाज में हाउ टू टाक विद चैट जी पी टी

और किसी ने जाके अगर उससे जो उससे सीखने के तकाजे हैं जो उससे सवाल पूछने के रूल्स हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो इसके पार्ट टू के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तरीका क्या है प्रॉम्प्ट सही डालने का सही पूछने का तरीका कार क्या है तो अब जरा दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूं कि आसान अल्फाज में चैट जीपीटी से सही तरह से बात करने का और सही अंदाज में सवाल करने का जो तरीका है उसे प्रोफेशनल जबान में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं ठीक है थेके? तो कल हम जरा जो है ना वो सीखेंगे कि बेसिकली डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है और बेसिक प्रॉम्प्टिंग क्या होती है प्रॉम्प्ट नंबर वन प्रम्टिंग एग्जाम्पल नंबर टू रूल क्या होता है डिटेल्स क्या होती है ठीक है और ये सारी चीजें हम जो है ना कल वाले क्लास में देखेंगे प्रॉम्प्ट हैक क्या होता है ठीक है और उसके साथ जो है ना वॉइस टोन क्या होती है उसके बाद जो मॉक डाटा शोइंग गूगल ये सारी चीजें प्रॉम्प्टिंग के कुछ असूल हैं वो इनशाला हम जो है ना वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास जरूर बिल जरूर पसंद आई होगी सो थैंक यू सो वेरी मच पी अल्लाह